हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रफ डिजाइन ऑफ कॉलम। दोस्तों कॉलम की साइज हम क्या ले, क्या है थंब रूल है जो कॉलम डिजाइन के लिए या फिर कॉलम साइज के लिए। अगर आप कोई भी घर बना रहे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आता है कि कॉलम की साइज क्या रखे। दोस्तों कॉलम की साइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉलम की साइज टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल लोड, जो स्ट्रक्चर का लोड है, स्ट्रक्चर की डिजाइन है, उस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा मैं आपको बता रहा हूँ और सेफ डेटा बता रहा हूँ। अगर आप एक इकोनॉमिकल डिजाइन या फिर इकोनॉमिकल अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जरूर आर्किटेक्ट के पास जाइए, वो आपको एक इकोनॉमिकल साइज ऑफ कॉलम देगा। बट अगर आप उसके पास नहीं जाना चाहते तो ये थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड और सेफ साइज ऑफ कॉलम है अकॉर्डिंग टू द फ्लोर लेवल, राइट। जैसे कि मिनिमम साइज ऑफ कॉलम दोस्तों 250x300 mm है। अगर आप 1-2 स्टोरी तक जाना चाहते हैं, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम अप टू 3 स्टोरी तक अगर जाना चाहते हैं तो 400x400 mm की जो साइज है दोस्तों वो इनफ रहेगी। उसके बाद दोस्तों 10 स्टोरी तक अगर आप जाना चाहते हैं, राइट, तो 10 स्टोरी के लिए 1-10 आपकी जो कॉलम की साइज है वो 700x700 mm रखे तो ये इनफ रहेगी, सेफ रहेगी। 20 स्टोरी के लिए 1-7 जो फ्लोर है दोस्तों उस पे आप रखिए 750mm x 750mm। 8-14 जो फ्लोर है उसके लिए 600x600mm कॉलम साइज। 15-20 के लिए 450x450 का जो कॉलम साइज है वो इनफ रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप 30 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं तो 1-10 800x800 का कॉलम। 11-20 650mm x 650mm कॉलम साइज। 21-30 470mm x 470mm साइज जो है दोस्तों इनफ रहेगी, राइट। दोस्तों ये है कॉलम की साइज अलग अलग फ्लोर के हिसाब से। बट मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज जस्ट द रफ डिजाइन ऑफ कॉलम साइज टोटल एंड द कॉलम साइज इज टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल लोड। तो कॉलम की साइज होती है दोस्तों स्ट्रक्चरल जो लोड है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप सिर्फ डिजाइन करना चाहते हैं, आप किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो ये जो आप स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों अगर ये लेके बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग जरूर सेफ रहेगी। और ये आप पे डिपेंड है, आपको ये लेना है, ये साइज कंसीडर करनी है नहीं करनी है, राइट। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सीबी कॉन्सेप्ट।